दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट वन रेड एंड वन ब्लैक कार्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी से। मैथ्स में एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी का, इस चैप्टर को जरूर सॉल्व कर लीजिए। हर साल CSIR नेट के एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस में एक आधा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का जरूर होता है, जैसे कि इस बार भी आ गया। क्वेश्चन क्या है, 52 कार्ड्स का पूरा डेक है और रैंडमली दो कार्ड निकाले, क्या चांसेस हैं कि एक रेड कार्ड निकले और एक ब्लैक कार्ड निकले। 52 कार्ड्स के डेक में 26 रेड कार्ड्स होंगे और 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे। 26 रेड कार्ड्स निकले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52, और उसी के साथ साथ मैं इसको रेड मार्कर से करता हूं, लेट मी मेक इट 26/52, ये आपका निकल गया रेड कार्ड, और इसी के साथ साथ जो दूसरा कार्ड है वो ब्लैक निकले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कार्ड कितने हैं 26। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, यहां पर एक कार्ड निकल चुका है, 52 में से एक कार्ड निकल चुका है, इसे मैं रेड कर देता हूं, तो कितने कार्ड बचे 51। ये प्रोबेबिलिटी है कि पहले एक रेड कार्ड निकले और उसके पीछे एक ब्लैक कार्ड निकले। लेकिन एक दूसरा केस भी है जिसमें पहले एक ब्लैक कार्ड निकले, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले एक ब्लैक कार्ड हाथ में आ जाए, तो अगर पहले ब्लैक कार्ड हाथ में आएगा तो टोटल कार्ड 52 ही थे, लेकिन उसी के साथ साथ पीछे पीछे रेड कार्ड हाथ में आए, अब कार्ड रह गए हैं 51। ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी रेड और ब्लैक कार्ड्स के एक साथ निकलने की, इसका वैल्यू रहेगा 2 × अब मैं ब्लैक पेन से लिखा 26/52 × 26/51, क्योंकि ये वैल्यू दोनों सेम है इसलिए मैंने ब्रैकेट में इस वैल्यू को लेके बाहर 2 ले लिया कॉमन। दिस विल कैंसिल आउट दिस एंड वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली, तो 26/51 शुड बी द राइट आंसर, यानी कि यहां पर ऑप्शन 3 करेक्ट है,